महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे जब पहली बार प्रदेश की कमान संभालने के बाद अपने घर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया। उनके ठाणे स्थित घर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और ड्रम बजाकर उनका स्वागत किया गया। यही नहीं, उनकी पत्नी लता एकनाथ शिंदे भी इस दौरान ड्रम बजाती दिखी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एकनाथ शिंदे मंगलवार को रात 9:30 बजे सीएम बनने के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे। सोमवार को ही उन्होंने विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित किया था। बहुमत परीक्षण के दौरान उनकी सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला था, जबकि 99 वोट विरोध में डाले गए। मंगलवार को ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सरकार में पद संभालने के बाद पहली बार अपने गृह नगर नागपुर पहुंचे थे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था। एकनाथ शिंदे की पत्नी की बात करें तो उनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है, लेकिन अपने सीएम पति के पॉलिटिकल करियर में उनका भी अहम योगदान है। दो बच्चों की मौत के बाद शिंदे को डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करने की बात हो या फिर ऑटो रिक्शा चलाने में मुफलिसी के दौर में साथ देने की बात हो, हर हालात में एकनाथ शिंदे की पत्नी लता एकनाथ शिंदे ने उनका पूरा साथ दिया है। एकनाथ शिंदे के 3 बच्चे थे, लेकिन 2 जून 2000 को उनकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ था। सतारा जिले में अपने गांव के पास स्थित एक झील में वह परिवार के साथ बोटिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान एक नाव पलट गई और उसमें सवार उनके 2 मासूम बच्चों की उनकी आंखों के सामने ही मौत हो गई थी। उस घटना ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया था और एकनाथ शिंदे डिप्रेशन में चले गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने राजनीति ही छोड़ने का फैसला ले लिया था। इस दौरान उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिघे और पत्नी लता ने उन्हें मनाया कि वह सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।